सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग इंडियन स्मार्ट एसएमएम पैनल को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें इंडियन स्मार्ट पैनल को अपने हिंदी भाषा में सिखाइए कि हम इसको कैसे यूज करें। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना कोई सा भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग गूगल का यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग क्रोम का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर चाहें तो प्ले स्टोर से इनकी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने एक एप्लीकेशन थी जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी, मैंने फ़िलहाल डिलीट कर दी है। आप चाहें तो यहाँ से स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप प्ले स्टोर के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से आप इनकी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें 10 TK+ से यहाँ पर डाउनलोड है। और यहाँ पर इनकी सर्विस क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इनको रेटिंग क्या मिली है वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। 4.4 की रेटिंग है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और यहाँ पर जिसको जैसा पैनल लग रहा है उस हिसाब से अपनी रेटिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वेबसाइट यानी कि किसी भी ब्राउज़र को आपको ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है इंडियन स्मार्ट एसएमएम पैनल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये सर्च करना है। वैसे तो टॉप में आपको ये पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये इंडिया का सबसे टॉप पैनल है, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ओके पे क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो देखिए, यहाँ पर चाहे तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप उस लिंक से लिंक्स पर क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको सर्च में नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइनअप के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको यूजर नेम बनाना है अपना, एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, और उसके बाद नेम देना है आपको, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड आई एम रोबोट पे क्लिक करना है, आई एम नॉट रोबोट पे, और यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, या फिर चाहे तो आप डायरेक्ट गूगल से अपनी आईडी को बना सकते हैं। जैसे आपका ये चीज़ हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपने जो यूजर नेम बनाया था आपको उस यूजर नेम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है अपना आईडी और पासवर्ड, ये चीज़ डालकर आपको साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे सामने मेन इंटरफेस है इसका, वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके 7K सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पे, इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है जिसपे आप यहाँ पर जाके इनकी जो डेली की वीडियो है आप उनको देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ न्यू ऐड हुई हैं वो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी, या फिर आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस चैनल पर भी वीडियो देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो खास बात है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप फ्री ट्रायल के लिए व्यूज़ भी लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा पैनल नहीं है जो आपको फ्री में ट्राई करने के लिए व्यूज़ थे बिना पैसे के। और यहाँ पर एक सर्विस न्यू ऐड हुई है जो कि अभी इंडियन स्मार्ट पैनल के अंदर ऐड हुई है, हफ्ते भर हुई हुआ है। वो सर्विस ये है कि आप इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में व्यूज़ ले सकते हैं, चाहे आपकी 2 रील्स हों, 3 हों, 4 हों, आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में रील्स के ऊपर व्यूज़ ले सकते हैं। ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, तो आप इसका संडे टू सैटरडे यूज कर पाएंगे। वैसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे, आपको एड फंड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप अपने पेमेंट को ऐड कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एड फंड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने किस UPI से पेमेंट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि फ़ोनपे से, पेटीएम से, डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर फ़ोनपे को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम फ़ोनपे को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्ट्रा ये जो आईडी है वो आपको यहाँ पर कॉपी करनी है, और यहाँ पर आपको जो ये अमाउंट है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं 50 रुपये, ठीक है। आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना एक जो अल्टीमेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो कि आपका फ़ोनपे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप अपने पैसे को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आपके पेटीएम में होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पेटीएम पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये ऑर्डर आईडी दिख रही है, और यहाँ पर आपको अमाउंट दिखेगा, ठीक है। अमाउंट यहाँ पर डालिए और पे क्लिक करिए, यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ से हम बैक कर लेते हैं।
बैक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको न्यू ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, माय फेवरेट ऑर्डर। तो यहाँ पर आप माय फेवरेट ऑर्डर में अगर कोई सा भी ऑर्डर लेके रखे हैं तो वहाँ पर दिख जाएगा, अदरवाइज़ आपके सामने खाली खाली दिखेगा। तो हम न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर जो इसकी चार सबसे खास बात है वो तो मैंने आपको बताया नहीं, सबसे पहले आप उसके बारे में सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए एफ्टर अर्न मनी, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है अर्न मनी, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर आप अपने दोस्त को ये पैनल भेजते हैं, वो भी इससे सर्विस लेता है, तो आपको उसको 5% कमीशन मिलेगा, जो आपको 8-1-10 मिलेगा। उसको शेयर करते हैं तब आपको यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलेगा, अगर वो कोई भी चीज़ बाय करता है तो वहाँ पर आपको 5% का कमीशन मिलेगा। और मिनिमम पे आउट है जो कि $0.10 आपका अमाउंट हो जाएगा, तो चाहे तो आप इसे अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। जो यहाँ पर और भी सुविधा आपके यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप सर्विस के ऊपर आएंगे, सर्विस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीपेस्ट सर्विस मिल जाएंगी, जैसे कि इंस्टाग्राम के व्यूज़ चाहिए आपको, यूट्यूब के व्यूज़ चाहिए, यूट्यूब के सब्सक्राइबर चाहिए, वो टाइम चाहिए, फेसबुक के फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, एंड पोस्ट के जो भी चाहिए, टिकटॉक के कमेंट्स, लाइक्स, शेयर, एंड इंस्टाग्राम के जो भी आपको सर्विस चाहिए वो सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप इंस्टाग्राम के लाइक्स लेना चाहते हैं तो हम फॉर एग्जाम्पल के लिए इंस्टाग्राम के लाइक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने लाइक्स के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर हम एक क्वांटिटी लेंगे कि कितने हमें लाइक्स चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर 1000 ले लेते हैं, तो 100 लाइक का $0.1, 1000 लाइक का $1 आपको देना पड़ेगा, यानी कि 70 से 75 रुपये आपको देने पड़ेंगे 1000 लाइक के। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा लाइक के आपको कितने कम पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी जो भी वीडियो होती हैं वो आपको चैनल पे डेली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।